जो संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, तो आखिर उस संविधान को क्या बदलकर वो मनुवादी सोच का संविधान बदलना चाहते हैं। पुराने तो ये भी हो गए हैं, मोदी सरकार को आए हुए इतना टाइम हो गया है, तो बदलना तो इनको भी चाहिए। इनके शासन को जनता पसंद नहीं करती, हटते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? अगर प्रधानमंत्री देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई मणिपुर के अंदर, जहाँ पर जो दो महिलाएं हैं उनकी नंगी परेड करवाई गई, उसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? ना संविधान बदला है ना बदलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वही है और हमेशा वही रहेगा। आप मामूली लोग कैसे बता रहे हो, तो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है। देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? अगर प्रधानमंत्री देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई मणिपुर के अंदर, जहां पर जो दो महिलाएं हैं उनकी नंगी परेड करवाई गई, उसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? अब जिस मामले को अगर जरूरत नहीं है कि संविधान को बदलने, आखिर मुझे आप ये बताइए, अपने मीडिया के माध्यम से बताइए कि आखिर हमें संविधान बदलने की क्या जरूरत है? जो संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, तो आखिर उस संविधान को क्या बदलकर वो मनुवादी सोच का संविधान बदलना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जिनको किसी का बोलना पसंद नहीं है, जो चाहते हैं जो नारियां हैं वही जो सड़कों पर जमीनों पे पड़ी रहे, कुचली जाए, जो उनका बलात्कार हो, उनका कोई बोलने वाला ना हो, उनका हमेशा शोषण हो, ये वही लोग हैं। इसलिए संविधान को बदलने की जो सोच है, ये चाहते हैं कि जो हमारा जो जुर्म है वो सामने ना आए, वो इन जो पर्दा है उसी के उसमें ढका रह जाए। कहा जा रहा, कई लोगों ने कहा कि हमने संविधान बना लिया है, कई बाबा बार बार कहते रहे कि अब नया संविधान आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर, ये क्वेश्चन करने का शायद मेरे साथ भी कोई वक्त नहीं है, क्योंकि आप ये कहने से कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, जब अगर कोशिश करेंगे तो शायद देश का जो बहुजन समाज है वो समाज है। याद करिए 2 अप्रैल 2018 का दिन, जब 32 करोड़ जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आ गए थे, यानी 50 करोड़ लोगों के कानों के अंदर अगर जय भीम का नारा पड़ा होगा तब 32 करोड़ लोग सड़कों पर उतरते और वो भारत बंद कर दिया था, कि शायद वो जो मोदी सरकार है उसकी भी जो सत्ता है वो हिल गई थी, और आखिर जो SC ST एक्ट को जो इन्होंने बदलने का जो कार्य किया था उसको उन्हें कानून को वापस लेना पड़ा। समय नहीं है, अशोक स्तंभ का जो अशोक चक्र संसद के ऊपर लगा उसका पूजा पाठ किया गया। आप ये सोचिए कि आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बताए कि जो सत्ता पर जो बैठा हुआ है वो एक अपना एक जिसे कहते हैं निरंकुश शासन चला रहा है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से चाहे जो भी जितने भी आज तक इतिहास में रहे, जितने भी अगर जितना भी निरंकुश शासन जिन्होंने करा, चाहे हिटलर हो, तमाम चीज उनका अंत हुआ है, तो शायद ये जो सत्ताधारी जो लोग हैं इनका भी जो अंत है जल्दी है, और आने वाला 2024 का जो चुनाव है आपके सामने दिखा दिया। का जिक्र कर दिया, क्या मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा जो विचार है कि आने वाला जो चुनाव है इसमें अगर वो चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं जो लोगों में हिंदू मुसलमान करके जो लड़वाने का काम करते हैं, शायद उनको वापस नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी मनुवादी सोच से नहीं चलता, किसी मनुस्मृति से नहीं चलता। हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर जो लोग उसे तोड़ेंगे तो हम शायद उसे उस सत्ता में या 2024 में हम उसका खुलकर जवाब देंगे। हिंदू मुस्लिम का जहर तो इतना फैल चुका है ना, आपने देखा है ट्रेन में कोई हत्या कर देता है, अब तो एक शिशु का जो जिसे कहा जाता है भगवान माता पिता वो भी धर्म देख के बच्चे को पिटवाती है। आपको ये पता है कि जब उनको लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो मुद्दा ही भटकाने के लिए क्या नाम है उस चीज़ पे हिंदू मुसलमान का चीज़ कर देते हैं। लेकिन आप अगर हिंदू मुसलमान के बीच में जाएँ, एक आम जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि वाकई क्या हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना चाहते हैं, शायद वो कहेंगे नहीं। ये तो मुद्दों को भटकाने वाली चीज़ है। आपको जो हाथरस जैसी घटनाएँ हैं, जालोर जैसी घटनाएँ हैं, या क्या कहते हैं मणिपुर जैसी घटनाएँ हैं, या क्या कहते हैं जो इतने हमारे जो देश के जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं, उन जैसी घटनाओं को दबाने के लिए इस तरह के मुद्दों को आगे कर कैसे छुटकारा पाया जाए, रास्ता क्या? हम इसके लिए कहते हैं काशीराम साहब जिस तरह से कहते थे, बाबा साहब काशीराम साहब कहते थे कि आपको सत्ता में आना है, आपको शासन में भागीदारी करनी है, तो हमें सबसे पहले अपनी राजनीति को सामाजिक के साथ साथ अपनी राजनीतिक जो जड़ है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये इस तरह के जो लोग हैं आएंगे नहीं। और जनता का इसमें फर्ज होता है कि वाकई में अपना जो वोट है, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से आपको मतलब दिया है, बहुत लड़कर अपना खून पसीना एक कर अपने शायद अपने बच्चों की बलि देकर ये जो वोट देने का जो अधिकार दिया है इसका सही उपयोग करें, और आने वाले 2024 के चुनाव में इस तरह की सरकार, इस मनुवादी सरकार की
तरह की जो सरकार है उसे ना आने दिया जाए। ये जो कल्पना कर रहे हैं नए संविधान की, कैसा हो सकता है आपको लगता है, क्या होगा नए संविधान में? सर जो चीज़ है नहीं सामने थे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी वर्तमान में देखिए, वर्तमान में हमारी जो साथी है डॉक्टर ऋतु, वो इस टाइम सड़क पर बैठी है और अपने न्याय और डॉक्टर डॉक्टर सुने उसे न्याय सम्मान से ही मिलेगा। लेकिन जो हमारा संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। धज्जियाँ कौन उड़ा रहा है? यही मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन हम लोगों को सोच रहे हैं, शायद ये दबे कुचले लोग हैं, शायद ये बगावत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने ठान लिया, हमने कहा ना कि अगर हमारे साथ हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ जो अन्याय करता है शायद हमें छोड़ते भी नहीं। बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले हमारा जितना एडवोकेट्स का जो पैनल है वो सारे मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि सड़कों पर उतर कर ही अपने किसी भी क्रांति को लाया जा सकता है। हम पहले जो अपना कानून है, हमारे जो अधिकार है उनको लेंगे और पूरी मजबूती से सभी लोग एकता का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं संविधान को बदला नहीं जा सकता, जो उसका मूल ढांचा है उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये सही बात है, मैं बार बार कह रही हूँ, आखिर संविधान को बदलने की जरूरत क्या है? आप ही मीडिया के लोग हैं, आप ही बताइए उस संविधान को बदलने की शायद कुछ जरूरत है। बाबा साहब जैसा दिग्गज व्यक्ति शायद विश्व के अंदर नहीं हुआ, 32 डिग्रियों का वो होना हुनर रखने वाला व्यक्ति, अब ये कुछ चंद लोग अगर कहें संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शायद उनकी गलतफहमी है। कह रहे हैं संविधान पुराना हो गया है और उस पे अन्य अन्य देशों से उसमें यानी डुप्लीकेट किया गया है। आप ये भी तो सोचिए, पुराने तो ये भी हो गए हैं, मोदी सरकार को आए हुए इतना टाइम हो गया है तो बदलना तो इनको भी चाहिए। इनके शासन को जनता पसंद नहीं करती, हटते क्यों नहीं है? अपनी चालबाजियों को मतलब ये नकारते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं कि हमारा अब वजूद खत्म होने वाला है? बहुत हमने लोगों को हिंदू मुसलमान करके लड़ाया, लेकिन अब ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई है एक न्याय की, और न्याय की लड़ाई जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक ऋतु ऐसे ही लड़ती रहेंगी। दुखी किसमें बात नहीं है, बात यहाँ पर होती है कि यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, उस भ्रष्टाचार के अंदर वो धीरे धीरे लोगों को गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। शायद डॉक्टर ऋतु भी उनकी साजिशों का एक शिकार बनी, क्योंकि वो आपको पता है कि वो एक अच्छा होनहार जिसे कहते हैं शिक्षा एक प्रोफेसर रही हैं और बच्चों में प्रिय रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा बोलता है, अच्छा पहनता है, ओढ़ता है, तो कुछ ये मनुवादी जो सोच के जो लोग होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता। जातिवाद को स्वीकार तो तमाम टीचर प्रोफेसर हो रहे हैं ना, जिनकी वीडियो सामने आ रही हैं, बातें सामने आ रही हैं। प्रोफेसर रतनलाल ने भी कहा कि मेरा भी शोषण हो रहा है। तो क्या आपको शोषण हो रहा है तो क्या इसके अंदर मतलब बोलने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान है जब हमें बोलने का अधिकार है? जो व्यक्ति अगर बोलना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, शायद जो लड़ेगा शायद वही जीतेगा। और अपनी बातों को मेरे हिसाब से बोलना कोई जुर्म नहीं है या कोई हमें दबा नहीं सकता। आप कह रहे हैं संविधान हमको अधिकार देगा, लेकिन संविधान बदलने की तो बात हो रही है। देखिए बात करने वाले जब संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब लोग आए, तभी तो उनको क्या नाम है दबाने के लिए ना जाने कितने लोगों की लंबी फहरिस्त लिस्ट थी, लेकिन तभी तो संविधान बना ना। तो इस तरह से जो कुछ लोग हैं, जो मामूली से लोग हैं, उस चीज़ को अगर सोचे उसे बदलने की, तो शायद ही उनकी गलत सोच है।